नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड के लिए डिक्टेशन लिखेंगे, जिसका स्पीड है 60 WPM, टोटल शब्द हैं 300। तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। पति को नपुंसक कहना शर्म की बात, इसलिए पत्नी की हत्या में आरोपी पति को हाईकोर्ट ने किया बरी। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति साधना जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वी राज चौहान की बेंच कर रही थी। बेंच ने इस केस में आरोपी पर लगे हत्या के आरोपों को इस गैर इरादतन हत्या में बदल दिया। हाई कोर्ट ने आरोपी नंदू सुरवासे की आजीवन कारावास की सजा को 12 साल कर दिया। आरोपी पति पहले ही 12 साल जेल में बिता चुका था, लिहाजा जज ने उन्हें तुरंत बरी करने का आदेश भी जारी कर दिया। बेंच के अनुसार हत्या के पीछे पत्नी द्वारा अचानक और गंभीर उकसावे का कारण था और यह पूर्व नियोजित नहीं था। घटना वाले दिन मृतक दोषी के पास आई और गाली गलौज करने लगी। उसने उसकी शर्ट खींची और बाद में उसे नपुंसक कहा, जिसके बाद दोषी ने मृतक को हसिया से मार डाला। नपुंसक कहलाने पर आदमी को शर्मिंदगी महसूस होना काफी स्वाभाविक था। पति को नपुंसक कहना शर्म की बात है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नंदू की शकुंतला से शादी को 15 साल हो चुके थे और दंपत्ति के 2 बेटे और 1 बेटी थी। वैवाहिक कलह के कारण दंपत्ति अलग हो गए थे। अगस्त 2009 में हुई घटना से पहले 4 साल से अधिक समय से वे अलग रह रहे थे। 28 अगस्त 2009 को जब नंदू नाम का एक मजदूर काम पर जा रहा था तो बस डिपो में मौजूद उसकी पत्नी शकुंतला ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने कथित तौर पर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे गालियां देने लगी। मामले में चश्मदीद गवाहों ने कहा कि शकुंतला ने न केवल उसे गाली दी बल्कि बार बार उसे नपुंसक कहा। प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि उसने यहाँ तक दावा किया था कि नंदू नपुंसक होने के कारण अलग रह रहा था और उसके
अवैध संबंध थे समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए।